होली को शांतिपूर्ण ढंग से निपटवाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। आज यहां के गांधी भवन में जिला प्रशासन ने नगर के संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया और लोगों से होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। मिशन भी आपसे अपील करता है कि होली के त्यौहार को आपसी मेलजोल के साथ मनाएं। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन। खैर, अब बात करते हैं इस खास बुलेटिन की। होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के साथ मिलकर पीस कमेटी की, जिसमें शहर के संभ्रांत नागरिकों से शहर में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन को शांति बनाए रखने का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम का आयोजन यहां के गांधी भवन सभागार में किया गया, जिसमें जिले भर के पुलिस और प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। राजा थाना क्षेत्र के चर्च कॉलोनी में आज प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, यह बात उनके परिजनों को नागवार गुजरी। इससे निराश होकर दोनों ने अपने अपने घरों में जहर खाकर जान दे दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महानगर के विजयपुर रेती मोहल्ले में आज घर के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची लापता हो गई। मोहल्ले के रहने वाले गुरुदेव त्रिपाठी की गंगा प्रसाद स्कूल की कक्षा 6 में पढ़ने वाली बेटी श्रद्धा द्विवेदी घर के बाहर से गायब हो गई। परिजनों ने बच्ची की काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। इस मामले में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और वहीं कहा कि जल्द ही बच्ची का पता लगाया जाएगा। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने महानगर स्थित सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया है। आपको बता दें कि होली के अगले दिन सायाहपुर में लार साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें जूते मार होली खेली जाती है और हुड़दंगी जमकर हुड़दंग करते हैं। इसको लेकर एहतियातन जिला प्रशासन ने महानगर स्थित सभी मस्जिदों को ढकवा दिया है, ताकि कोई शरारती तत्व मस्जिद पर रंग न डाल दे। सायाहपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सामने जमकर हंगामा काटा। वेतन भुगतान, बीमा और पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने काम ठप करके धरना प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह सारा काम ठप करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मिर्जापुर के जरियनपुर गाँव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सरफुद्दीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं सरफुद्दीन के साथ बाइक पर सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज जलालाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने लोगों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में कुल 35 शिकायतें आईं, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, तो बाकी शिकायतों के लिए निस्तारण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जलालाबाद में मिशन इंद्रधनुष के अंतिम चरण का आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने अपने हाथों से नौनिहालों को खुद ड्रॉप पिलाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि इस अभियान को 12 गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें नियमित टीकाकरण भी किया जा रहा है। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने आज तेलहर तहसील मुख्यालय पर हंगामा करते हुए उप जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष विकास गुप्ता ने किसानों की समस्याओं का 6 सूत्रीय ज्ञापन देने के साथ ही उनके समाधान भी प्रशासन को लिख कर दिए। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन को चेताते हुए कहा कि देश के अन्नदाता की अनदेखी अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अयोध्या के राम मंदिर मूवमेंट में शिरकत करने वाले कार्यसेवकों के लिए आज एसएस कॉलेज के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या मूवमेंट में शामिल कार्यसेवकों को साल उड़ाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यसेवकों से अपील की गई कि वह मंदिर निर्माण में भी पूरा सहयोग करें। सम्मान समारोह का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी ने किया था।
तेलहर में आज संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिला अधिकारी सौरभ गंगवार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 72 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें से 7 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो गया। बाकी बची समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंप दिया गया। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने बच्चों को वन्य जीव की रक्षा और उनके संरक्षण की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि वन क्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार तिवारी ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी और वन्य जीवों की रक्षा और उनका संरक्षण करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। खुटार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NBW में वांछित शराब माफिया प्रेम सिंह और परमजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा। इसके बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात थाना निगोही क्षेत्र के सुभद्रा देवी इंटर कॉलेज के पास एक गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं घायलों को निगोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए ले जाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।